पोको F5 Pro, ये स्मार्टफोन ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है पोको ने कि ये बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, लेकिन ये स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले ही बिकना शुरू हो चुका है। मतलब कहते ना फास्ट मोबाइल फोन फास्ट है, इतने भी फास्ट है कि लॉन्च होने से पहले ही बिकने लग गए हैं। अभी पोको ने ऑफिशियली अनाउंस ही किया है लेकिन बिकना पहले शुरू हो गया। इस फोन में आपको एक तगड़ा चिपसेट देखने को मिल जाएगा, कैमरा डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा, बैटरी इसमें आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं बात करूं इस फोन की तो ये रेडमी K60 का ही रीब्रांडिंग स्मार्टफोन है। मतलब कि नाम छिपाओ अपना नाम लगाओ और मार्केट में उतार दो नया फोन। नया क्या भाई, पुराने फोन है जो रेडमी K60 है, बस रेडमी की जगह पोको लगा दिया है बस। और एक इसमें आपको मेन चीज डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ एक डिफरेंस है जो मेरे को अभी तक लगा है फोन में, उस एक स्पेक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। बात करते हैं पोको F5 Pro की स्पेक्स की, तो भाई वही सेम टू सेम रेडमी K60 वाली स्पेक्स है। चलो बता देता हूं मैं आपको क्या क्या इस फोन में स्पेक्स देखने को मिल जाएगी। आपको डिस्प्ले की बात करें तो भाई इसमें आपको 6.67 इंच की OLED 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो डॉल्बी विजन सपोर्ट करेगी। ये फोन एंड्रॉइड 13 पे देखने को मिल जाएगा आपको, बाकी MIUI 14 सपोर्ट करेगा। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। कार्ड स्लॉट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टोरेज की बात करने तो भाई 256GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 12GB रैम, 512GB स्टोरेज और 12GB रैम, UFS 3.1 देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा आपको इसमें बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आपको एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा जो 2 मेगापिक्सल का होगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का एक वाइड सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैप्चर में आपको जो रियर कैमरा है वो 8K 24fps, 4K 30-60fps और 1080p देखने को मिल जाएगा। और वहीं फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरे में 1080p 30-60fps देखने को मिल जाएगा। बैटरी, इस फोन की बैटरी रेडमी K60 से डिफरेंट है। उस फोन में आपको 5500mAh की बैटरी देखने को मिली ही, लेकिन इसमें आपको 5160 मतलब 5160mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और चार्जर आपको 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा और 30W का वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा। 5G स्मार्टफोन है, फिंगरप्रिंट रीडर अंडर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, स्टीरियो स्पीकर इस फोन में है। फोन की प्राइस की बात करें तो अंडर 30,000 ही लॉन्च होगा, जो बेस वेरियंट है अंडर 30,000 ही होगा। अंडर 30,000 एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा, डिस्प्ले बहुत अच्छी है। आप इस फोन की चिपसेट बड़ा तगड़ा है, मतलब अगर आप कैमरा या फिर गेमिंग करते हो तो एक तगड़ा चिपसेट वाला फोन देखने को मिल जाएगा आपको, और वीडियो एडिटिंग भी आपको अच्छी हो जाएगी, कैमरा भी अच्छा है। मतलब कि 30,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा, पोको F5 Pro, मतलब कि रेडमी K60 वाला वही स्मार्टफोन है। एंड में बात करें तो भाई पोको वाले यही करते रहते हैं, मतलब रेडमी का उठा लिया या फिर Xiaomi का कोई ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन उठा लिया जो पहले से ही लॉन्च हुआ है, उसी को रीब्रांड करके नाम अपना लगा कर बेच देते हैं। अगर हमको लेने हैं कुछ नया निकालो, हमको कुछ नए स्मार्टफोन लेने हैं, वही पुराने नहीं लेने हैं। ऐसे तो हम पुराने अच्छे नहीं लगेगा कस्टमर को, खुद को नहीं लगेगा भाई ये तो वही है पुराना ही है नया करके बेच दिया है, लेकिन पोको वाले ऐसे ही करते हैं। ये थी पोको F5 Pro की स्पेक्स। अभी लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं है लॉन्च कब होगा ये। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।